कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में आज पुलिस ने करीब 27,000 शराब की बोतलों को नष्ट किया है। नियमानुसार जो अवैध रूप से पुलिस ने शराब पकड़ी थी और कोर्ट में उनके मुकदमे भी निपट चुके हैं, ऐसे में पुलिस नियमावली के अनुसार शराब के उस जखीरे को पुलिस के आला अधिकारी की निगरानी में आबादी से दूर गहरे गड्ढे में नष्ट किया जाता है। उसी क्रम में आज शाहबाद में डीएसपी और एसएचओ प्रतीक सिंह की निगरानी में जेसीबी द्वारा गहरा गड्ढा खोदकर आबादी से दूर करीब 27,000 शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिन मुकदमों का निपटारा कोर्ट में हो चुका है और उनमें पकड़ी गई ये शराब की बोतलों का जखीरा आज नष्ट कर दिया गया है आबादी से दूर, इसलिए ताकि आम आदमी को इसका कोई नुकसान ना हो, जानवर पशु को इसका नुकसान ना हो, ये ध्यान में रखते हुए गहरा गड्ढा खोदकर उसमें नष्ट की गई है। तो सर कितनी शराब है ये? करीबन 26,500 समथिंग बोतलें हैं और 57 मध्य से जो पुराने बिस्टा वगैरह पड़े थे। हरियाणा के निर्देशानुसार और हमारे क्षेत्र के आदेश अनुसार हमने इनका विधिपूर्वक आज इनको निपटान कर रहे हैं। ये मध्य बहुत पुराने थी और इनको आज डिस्पोज किया जा रहा है। तो शायद आते हैं वो मतलब ये सभी निपटान हुए मामले हैं, कोर्ट द्वारा जो मामले निपटा दिए गए या तो सजा कर दिए गए या परे कर दिए गए। या लगभग हमने पिछले 3-4 महीने से हमने प्रोसीजर चला रखा था कोर्ट के माध्यम से, और जो ये 27,000 बोटल्स हैं उनका हमने कोर्ट से डिस्पोज करने के ऑर्डर लिए हैं। फिर हमने एसपी साहब ऑफिस के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से, बीडीपीओ साहब अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं और इनकी मौजूदगी में हमने लगभग 27,000 ये बॉटल्स इलीगल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करी हैं, और उसके साथ साथ 157 जो विसरों के वो है विसरा रिपोर्ट के जो पलंदे वगैरह हैं वो भी डिस्पोज करे हैं। और इस तरीके से मतलब काफ़ी मतलब टाइम टू टाइम थाना में इस तरह की कार्रवाई होनी बहुत ही ज़रूरी है। पुलिस अधीक्षक एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने सभी पुलिस स्टेशन में गाइडलाइन दी हुई हैं कि इस तरह की कोई पुरानी मदें हैं जिनका निपटारा हो सकता है, जो केसेस कोर्ट से डिस्पोज हो चुके हैं उनका अभी निपटारा करें ताकि थाना परिसर में भी अच्छी तरीके से